अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फंक्शन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है? और फिजिक्स में इसका यूज़ पड़ेगा, तो बहुत डिटेल में तो हम लोग सीखेंगे नहीं, रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे और कुछ सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, और इसको डिटेल एनालिसिस, लॉग फंक्शंस क्या होते हैं इसके विषय में डिटेल तरीके से आपको मैथ में पढ़ा दिया जाएगा। अभी के लिए हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन और कुछ सिंपल एग्जांपल्स करना सीखेंगे, ठीक है? तो किसी भी फंक्शन को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और दूसरे बोलते हैं लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? अब देखिए एक्सपोनेंशियल में जैसे, अब बताता हूँ एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कोई आपसे कहे कि 49 को रिप्रेजेंट करिए, तो आप क्या कहते हो? 7 का स्क्वायर। कोई पूछे 100 को रिप्रेजेंट करिए 10 के फॉर्म में, तो 10 का स्क्वायर। उसी तरीके से मान लीजिए 2 to the power 8, ये सब चीज़ें हैं, या 3 का पावर 4, ये सब रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाते हैं? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली कुछ टर्म्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे इसे हटा दीजिए, 8 to the power x, इसको ही बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे ए कोई कांस्टेंट है और x उसका एक्सपोनेंट है। सिमिलरली एक टर्म्स यूज किया जाएगा फिजिक्स में, e to the power x, तो e भी एक कांस्टेंट है और e to the power x ये एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है किसी नंबर का, और x कोई भी नंबर अटेंड कर सकता है e to the power x, और e जो है एक इरेशनल नंबर है, जिस तरीके से पाई इरेशनल नंबर होता है उसी तरीके से e भी इरेशनल नंबर है, और इसकी जो वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है, आप चाहो तो लिख सकते हो वैल्यू ऑफ e इज 2.718 समथिंग्स, तो दिस इज द इरेशनल नंबर। और ये एक कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी हो सकता है, 8 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट e एक फिक्स वैल्यू है, यानी मैं कह सकता हूँ, और a e भी हो सकता है, इसका मतलब ये वैल्यू इसका एक सबसेट है, समझ रहे हैं? तो a to the power x भी आपको फिक्स में दिखेगा, तो कहीं अगर दिख रहा है a to the power x, इसका मतलब a कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है, 2 3 4 5 6, डिटेल मैथमेटिक्स से पढ़ा दिया जाएगा। e to the power x जो है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, इस सारे सारे एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, बट जो e है, जब ये e की वैल्यू 2.718 समथिंग्स हो जाए, और ये एक इरेशनल नंबर है e, मतलब एक तरह से तो ये जो टर्म्स है इसका सबसेट है, सबसेट है, ठीक है? तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, दीज आर द एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो x पावर है और एक कोई भी नंबर अटेंड कर सकता है, e to the power x लिखा हुआ है तो e एक इरेशनल नंबर है और उसकी वैल्यू 2.718 होती है, और x वैसे ही एक्सपोनेंट है जैसे ये वाला एक्सपोनेंट है, जैसे कोई कहे ना e का स्क्वायर, e का पावर 4 लिख सकते हो, कोई कहे कि सर क्या हम लिख सकते हैं e का स्क्वायर, ऑफकोर्स लिख सकते हो, x 2 के बराबर है और e यही नंबर है। अब कोई पूछे कि सर ये नंबर किसके बराबर है, तो 2.718 का स्क्वायर कर दीजिए, अब कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि e की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, बिकॉज दिस इज इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, इसी को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक दूसरा तरीका है, और वो है लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसी फंक्शन को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे ये वैल्यू किसके बराबर है 49, ये वैल्यू किसके बराबर है 100, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये जो 2 to the power 8 है इसकी वैल्यू होती है 256, और इसको अपने मन से मान लीजिए कि दिस वन इज वाई, और इसको मान लीजिए दिस वन इज जेड, मैंने ऐसे लिख लिया, और इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में मैं लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीका है, इस तरीके से लिखते हैं, लॉग 49 बेस 7 ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू। अब देखिएगा थोड़ा सा इसी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, पढ़ते कैसे हैं, लॉग 49
बेस 7 इक्वल टू 2, मतलब 7 का स्क्वायर 49 के बराबर है, तो इसका लॉग पढ़ते हैं, लॉग 49, और ये जो 7 है ना, बेस 7 पढ़ते हैं, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट आता है, एक्सपोनेंट मतलब ये पावर 2 आता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि जो 7 है ना, जो 7 है वो यहाँ पे आएगा 49, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, मतलब ये लॉग लॉग के लाइन में है 49, और 7 जो है इस लाइन के जस्ट नीचे है, तो लॉग 49 बेस 7 इज इक्वल टू 2, एक्सपोनेंट यहाँ पर जाता है। मतलब इसको पढ़ते ऐसे रीड कैसे करेंगे, आप भी रीड कर रहे ध्यान रखिएगा, रीड ऐसे करेंगे लॉग 49 बेस 7 इज इक्वल टू 2, ये पढ़ने का तरीका है, लॉग 49 बेस 7 इज इक्वल टू 2, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब वैसे ही कोई कहे कि सर आप एक काम करो, जिस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट किया वैसे इसको भी रिप्रेजेंट करो, तो क्या करोगे, लॉग 100 लॉग 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2, पढ़ो कैसे, लॉग 100 बेस 10 इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं कहूँगा इसको रिप्रेजेंट करिए लॉग के फॉर्म में, तो कैसे कहेंगे, लॉग 256 बेस 2 इज इक्वल टू 8। मतलब देखो ना, अगर सही देखो ना, इन तीनों में ये 2 है, रटने का तरीका बता रहा हूँ, इन तीनों में जो 2 है वो नीचे है, नीचे, तो यहाँ भी देखो इन सब में 2 नीचे है, बट फर्क क्या है कि जो एक्सपोनेंट यहाँ दिख रहा है इस लॉग के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 256 को, और एक्सपोनेंट को आगे कर दे रहा हूँ। वैसे कोई कहे कि इसको रिप्रेजेंट करिए, तब क्या कहोगे, लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू एक्स, कोई पीछे इसको रिप्रेजेंट करिए क्या कहेंगे, लॉग जेड बेस ई इज इक्वल टू एक्स, तो ये लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है इधर के फंक्शंस का, ठीक है, और ये पढ़ने का तरीका है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ और एक सिंपल फॉर्म लिखता हूँ, आप उसको याद रखेंगे और इसकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ठीक है। तो आप इस पॉइंट्स को फिलहाल याद रखेंगे, एक्सपोनेंशियल और ये लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। अगर ऐसा कहीं लिखा है वाई बराबर ए टू द पावर एक्स, तो लॉग के फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू एक्स, और ऐसा लिखा गया है तो उसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा गया है और कोई पूछे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताएं, तो क्या कहेंगे, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, समझ रहे हैं क्या कह रहा, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। अच्छा कुछ चीज़ें और, लॉग के फॉर्म होगा, हो सकता है किसी की वैल्यू पूछे, तो आप इसके सहायता से कन्वर्ट करके सॉल्व कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि इस ऐसे हमने देखा है और ऐसा हम लोग इस समय सीख रहे हैं, तो जो हम सीख रहे होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका हेल्प लेते हैं जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ठीक है, ओके। तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉगरिथमिक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा गया वाई बराबर ए टू द पावर एक्स, तो इसको आप लॉग फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। पर अब हम आपको कुछ और बता रहे हैं, मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा गया हो लॉग एक्स बेस ई, तो उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एल एन एक्स, वर्ड है एल एन एक्स, तो कहीं भी एल एन एक्स लिखा गया है तो आप इसको घबराइएगा मत, ये जो है बेसिकली इसी का रिप्रेजेंटेशन है, लॉग एक्स बेस ई, मतलब अगर बेस कुछ और हो तब तो इस तरीके से आपको लिखता रहेगा, लेकिन अगर बेस ई हो तो डिफॉल्ट केस में, डिफॉल्ट अंडरलाइन है, डिफॉल्ट केस में उसको इस तरीके से लिखा जाता है, लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू एल एन एक्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल एन का भी मतलब लॉग ही है बट उसका बेस क्या है, ई है, तो कुछ दिखाने के लिए कुछ अलग से लिखना पड़ेगा ना, कुछ अलग से, तो वही इस तरीके से अलग से लिख रहा है। अब आता है लॉग एक्स बेस 10, उसको रिप्रेजेंट करने का ऐसे भी लोग करते हैं, लॉग एक्स लिख देते हैं, लॉग एक्स का मतलब है डिफॉल्ट केस में इसका बेस क्या है, 10 है, बेस 10 है, लॉग एक्स बेस 10 लॉग एक्स लिखेंगे, लॉग एक्स बेस ई एल एन एक्स लिखेंगे, और बाकी जितने भी टर्म्स होते हैं जैसे कि एल एन एक्स और लॉग एक्स के अलावा बाकी जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे उसके लिए बेस आपको लिख कर देगा या उसको बताएगा कि उसका बेस क्या है। तो अभी आपने 3 पॉइंट सीखा कि अगर ऐसा दिया गया हो तो इस तरीके से लिखते हैं,
ऐसा है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ऐसा है तो इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है, बाकी कोई और टर्म्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बेस लिख कर देगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए लिखा गया है log 8 बेस 2 इक्वल टू एक्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे देखें। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन करना होता है ना, तो हम ये देखते हैं कि ये फंक्शंस यहाँ से है और हम फैमिलियर इसके विषय में है, तब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कैलकुलेशन आ जाएगा। जैसे कोई पूछे एक्स की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, ये फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको इस फॉर्म में, तो क्या है वाई बराबर ए टू द पावर एक्स, और वाई कौन सा रूल पे कर रहा है, ये वाला वाई यहाँ पे है ना, वाई वाई ये है, तो जब इसको इससे कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कराइए, तो आपको वाई क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है 8, और ए क्या मिल रहा है 2 के बराबर, और एक्स तो एक्स ही है, एक्स तो एक्स ही है। अब इसको तो आप इस समझ लिखिए वाई बराबर ए टू द पावर एक्स, तो वाई क्या है 8, तो 8 इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, और ए क्या है 2, तो 2 टू द पावर एक्स। अब देखिए इसको आप कह सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे कि एक्स क्या आएगा 3, क्योंकि इस 8 को लिख सकते हैं आप 2 टू द पावर 3, देन व्हाट इज एक्स, एक्स इज 3। सिमिलरली अब इसका आंसर आप बताइए कि log z बेस 3 इक्वल टू 3 है, देन व्हाट इज z। सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, ये 3 है ना, मतलब ये वाला y, y ये है, तो y मतलब 3 इज इक्वल टू 3, नहीं एक्सपोनेंट है यहाँ पे ना, ओके फॉर्म ही है ना, देखिए कंपेयर करा लीजिए इसको इससे, जब इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो y किसके बराबर आएगा, z के बराबर, और a किसके बराबर आएगा 3 के बराबर, और x किसके बराबर है वो भी 3 के बराबर है, तब क्या लिखेंगे a टू द पावर x मतलब 3 का क्यों, a टू द पावर x बराबर y मतलब z, तो z कितना आ गया, दिस वन इज 27, तो दिस z विल बी 27। सरल में क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब भी किसी की वैल्यू पता करनी हो रही है तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसका कैलकुलेशन कर जा रहा हूँ, मुझे आंसर मिल जा रहा है, सही है। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग फंक्शन, तो इसमें ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल सिंपल पढ़ेंगे और कॉपी करेंगे उसको। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आप क्या रखना है, लॉग ए लॉग वन बेस ए, लॉग वन बेस ए इक्वल टू मान लीजिए एक्स है, कोई पूछे एक्स की वैल्यू बताइए कितना आएगा, लॉग वन बेस ए इक्वल टू एक्स, देन व्हाट विल बी एक्स, तब क्या करेंगे आप इसको लिखेंगे, ये बेस है ना, ये बेस है, तो ए टू द पावर एक्स, ये वाला टर्म पावर पे आएगा, इक्वल्स टू एक्सपोनेंट होता है ना, ये बाहर आता है, तो ए टू द पावर एक्स बराबर वन, तो अगर ए पावर एक्स वन है इसका मतलब एक्स किसके बराबर होना चाहिए, जीरो, क्योंकि ए तो कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो अगर 1 2 3 4 5 6 ए की वैल्यू है और उसका पावर एक्स वन आ रहा है तो तभी संभव है जब एक्स क्या हो, जीरो है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि लॉग वन बेस ए किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। इसका मतलब कि कोई भी बेस हो, कोई भी बेस हो, अगर कोई भी बेस हो तो उसका कोई भी बेस पे लॉग वन की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, लॉग वन किसी बेस पे हमेशा जीरो होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, लॉग वन की वैल्यू बताइए तो आप क्या बताएंगे, जीरो, लॉग वन इज जीरो या लॉग वन बेस से कुछ तो जीरो, इसका मतलब क्या है यहाँ पे बेस 10 है, तो लॉग वन बेस 10 पे वैल्यू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बेस पे, और ये बेस 10 पे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको याद करना, कहीं भी ऐसा लिखा गया हो लॉग ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स मतलब बेस 10 है यहाँ, जैसे नहीं यही है आपने लिख रहे थे इस तरीके से, लॉग ए लिखे थे यहाँ पे और ये 2 लिखे थे, तो इसका 2 का क्यूब भी तो लिख सकते हो भाई, यहाँ पे अगर 8 आ जाए, यहाँ पे 8 आ जाए तो आप इसको लिख नहीं सकते हैं क्या इस तरीके से 2 का क्यूब, वही मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं भी ऐसा लिखा गया हो लॉग
ए टू द पावर एक्स लिखा गया, लॉग ए टू द पावर एक्स, मतलब इसका बेस लॉग है तो बेस 10 हो सकता है, बेस 10 हो सकता है, कहीं भी ऐसे लिखा गया हो तो ध्यान रखिएगा। ऐसे इसको पढ़ते हैं, लॉग ए टू द पावर एक्स बेस 10 है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स लॉग ए, ये होल्ड करता है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी बेस हो, जैसे कि यहाँ पे मैं तो लिखा नहीं हूँ तो आप 10 मान लिया, लेकिन अगर यहाँ पे 10 नहीं मानते, यहाँ पे कोई भी आप m मानते हैं, कोई भी बेस मानते हैं, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, log a टू द पावर x बेस m इक्वल्स टू x log a बेस m, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये जो फंक्शन है a टू द पावर x, इसका x यहाँ पर जाता है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना जरूरी है। चलिए मैं बताता हूँ ये कैसे, तो इसको कभी कभी ऐसे भी दिखाया जाता है, log a टू द पावर x बराबर x log a, मतलब जिस बेस पे होगा उसी बेस का पे लॉग आ जाएगा, वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू इसको, जैसे कि मान लीजिए लिखा गया हो log 16 बेस 2, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 4 log 2 बेस 2, मतलब अगर इस ये प्रॉपर्टी यूज़ की जाए तो आप ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 16 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर log 2 टू द पावर 4 बेस 2, तो ये तो प्रॉपर्टी है ए टू द पावर एक्स, तो 2 की पावर 4, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसको हो जानी चाहिए थी 4 log 2 बेस 2 हो जानी चाहिए थी, मतलब आपको प्रूफ करना है कि सही में वैल्यू इसके बराबर है, तो इसको मैंने हटाया, इसको यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज 4 log 2 बेस 2, तो मुझे प्रूफ करना है कि सही में ये वैल्यू इसके बराबर होती है, बताइए। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको अपने मन से जेड मान लेते हैं, अब इससे जेड के लोग पता करते हैं और इससे पता करते हैं, देखिए क्या क्या आता है। अगर दिस अगर इसको इसको इक्वल करके जेड की जो वैल्यू आती है, इसको इसको इक्वल करके जेड की वैल्यू सेम आती है, तो आप क्या कहोगे कि दोनों फंक्शन इक्वल है। तो देखिए इससे इसी क्या रखेंगे, अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी, तो आप कहेंगे कि बेस 2 टू द पावर जेड बराबर 16, तो इसी क्या प्रूफ हो क्या गया जेड बराबर 4, भाई 2 का पावर जेड 16 है, तो वट इज जेड, इट इज 4। और अगर मैं इसको लिखूँ तो अगर इसके लिखें तो क्या लिखेंगे लॉग 2 बेस 2 इक्वल्स टू जेड बाई 4, अब ये प्रॉपर्टी जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे इसका लिखिए, तो 2 का पावर जेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 का पावर जेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 2, तो देखिए ये 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, इसका तो जेड का पावर 4 1 के बराबर है, तो जेड बाई 4 अगर 1 के बराबर है तो वट इज जेड, इट इज 4, आगे आप प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर होता है, तो फिर ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है ये जस्टिफाई है। तो हमने लॉग की बेसिकली आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि लॉग 1 किसी भी बेस पे 0 आएगा, एंड लॉग ए टू द पावर एक्स इज ऑलवेज एक्स लॉग ए, इन थर्ड प्रॉपर्टी जो आपको यूज़ करना है ये है लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस ए मतलब उसी बेस पे उसी लॉग की वैल्यू कितनी होगी, लॉग ए बेस ए इसकी वैल्यू आती है 1 के बराबर, ठीक है, तो आपको बताना है प्रूफ करने की वैल्यू ऐसे आएगी, तो आप प्रूफ कर सकते हैं कैसे, भाई इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए का पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है ए का पावर 1 इक्वल टू ए, तो होता ही ए का पावर 1 बराबर ए, इसका मतलब आपने सही लिखा है कि लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1, और यही बेस 10 पर, बेस 10 पर ऐसे लिखते हैं, कोई पूछे लॉग 10 की वैल्यू, तो वैल्यू इज 1, क्योंकि बेस क्या है 10, बेस 10 कंपेयर हो गया, मतलब किसी भी लॉग का उसी बेस वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे अगर ये भी 2 है ये भी 2 तभी भी 1 आएगा, ये 4 तभी भी 1 आएगा, आना चाहिए, देखिए भाई एक पावर 1 बराबर ए है ना, तो एक पावर 1 बराबर ए है, तो एक जगह पे 4 रखिए तो क्या 4 आएगा, आएगा, एक जगह पे 2 रखिए तो क्या 2 आएगा, आएगा, तो ये तो आपने लिखा है, तो एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, तीसरी तीन प्रॉपर्टी आपने लिख दिया, और कुछ और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता रहा हूँ और उसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा।
जैसे फोर्थ कहीं भी ऐसे लिखा गया है, बस आपको याद करना है log a प्लस log b कहीं भी हो, तो आप इसको लिखेंगे log ए बी। यहाँ पे बेस 10 है, कुछ और भी बेस होता तो यहाँ पे उसका बेस रहता बट ये मल्टीप्लाई फॉर्म में एज इट इज रहता। फिर प्रॉपर्टीज याद रखनी आपको, log a माइनस log b, आप याद रखेंगे दिस वन इज log a अपन b। बस ये पांच प्रॉपर्टी आपको log के अंदर याद रखनी है। फिजिक्स में इतने से ही हम लोग सारा का सारा काम कर लेंगे, ठीक है, और डिटेल मैथ बताया जाएगा, मैथ में कंडीशंस बताए जाएंगे, एक्चुअल में वहीं पे बताया जाएगा आपको कि फंक्शंस होते क्या हैं। फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज में आएंगे, हम इतना नहीं सोचते, मैथमेटिकल इक्वेशन का डायरेक्ट यूज़ करते हैं। बस आपको ये समझना है कि log 1 बेस ए जीरो होता है, ये log 1 जीरो होगा, log ए टू पावर x x log a होगा, log a बेस ए 1 होगा, log a प्लस log b log a भी होता है, log a माइनस log b log a अपान b होता है। अभी पांच प्रॉपर्टी अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और उसके बाद कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगा और आपको उसको अटेम्प करने होंगे और बताने होंगे कि उसके आंसर्स क्या है। कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लॉग एक्स क्यूब है तो फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन। अब बताना है कि जो तीनों ऑप्शन है क्या तीनों को तीनों सही है कि कोई एक सही है कि कोई दो सही है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले f ऑफ 2 पता करेंगे, तो f ऑफ 2 के लिए अब ये फंक्शन f ऑफ x log x की, तो x जगह पे 2 प्लेस करिए तो यहाँ भी 2 आएगा, तो क्या बन जाएगा log 2 कपॉट 3। अच्छा log 2 कपॉट 3 को आप क्या क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log 8, आप log 8 लिख सकते हो ना क्योंकि 2 कपॉट 3 है, और अगर प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए इसका 2 कपॉट 3 को तो आप लिख सकते हो 3 log 2 भी, 3 log 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखें f ऑफ 1 की बात करेंगे, तो जो f ऑफ 1 है तो फंक्शन में x जगह पे 1 तो यहाँ भी x जगह पे 1, तो क्या बनेगा log 1 का पावर 3, तो आप इसको लिखेंगे 3 log 1। और आपको अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि log 1 हमेशा क्या आता है, 0, log 1 इज ऑलवेज 0। अब चलिए देखें 3 log 2, तो अगर इन दोनों को जोड़ना है मतलब एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन ऐड करना है, जब इसको ऐड करेंगे तो एफ ऑफ टू किसके बराबर है, 3 log 2 है, 3 log 2, और एफ ऑफ वन किसके बराबर है, 0। तो आंसर क्या आना चाहिए, 3 log 2। तो ये ऑप्शन सही है, log 8 भी सही है, क्यों सही है, क्योंकि log 8 ही तो 3 log 2 है, और log 8 प्लस log 1 ये भी सही है, क्यों, क्योंकि log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 प्लस log 8 ये तो बन गया, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इस तरह के फंक्शन अपने मैथमेटिकल टूल के मॉड्यूल में होगा, तो जब आएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, अब बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करिएगा, ठीक है।